हे गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप लोग Realme 5 Pro डिवाइस यूज़ करते हो तो आपके डिवाइस के लिए जो ओपन बीटा है Realme UI 2.0 का, वो ऑफिशियली Realme ने रोल आउट कर दिया है। सो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो Realme 5 Pro में आपको F.02 का अपडेट देखने को मिला, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ में कौन कौन से जो बग्स हैं वो फिक्स हुए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पूरा फुल रिव्यू इस अपडेट का करने वाला हूँ। आप लोगों की चार्जिंग, बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस, अंततः स्कोर आपको कैसा देखने को मिलता है। सो, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको फ्यूचर में इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग ऑल पे प्रेस कर सकते हो। सो, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फीचर्स की बात करने से पहले आप लोग एक नज़र इसके चेंज लॉक के ऊपर डाल लें। सिक्योरिटी के सेक्शन में आपको जुलाई मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है और सिस्टम के सेक्शन में आप लोगों के जितने भी बग्स थे उनको Realme ने फिक्स कर दिया है। चाहे आप लोगों का नोटिफिकेशन का बग हो, चाहे चार्जिंग का इशू हो, चाहे आप लोगों के कैमरा के जो भी इशू हो, उनको Realme ने फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों बात करें सबसे पहले फीचर्स की, तो वो फीचर्स आपको देखने को मिला है स्क्रीनशॉट के सेक्शन में। आप लोगों को सिंपली से मोबाइल फोन को अपडेट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट के सेक्शन में आपको नया यूआई स्क्रीनशॉट का देखने को मिल जाएगा। और यहां पर जो ऑप्शन या फीचर्स ऐड हुआ है वो रहा प्रीव्यू विंडो का। आप लोग अपनी प्रीव्यू विंडो की जो लोकेशन है वो लेफ्ट और राइट में कर सकते हो, जिस साइड आपको रखना है। और साथ में अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो आप लोगों को ट्यूटोरियल का ऑप्शन भी यहां पर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना सीख सकते हो। अब इसके साथ दोस्तों जो सेकंड फीचर्स आपको देखने को मिला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखने को मिला है, कुछ ही उसको जो पहले Realme UI 2.0 के अपडेट मिले थे उनमें आपको 60 FPS का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली ये ओपन बीटा है और इस अपडेट में हर एक Realme डिवाइस के लिए आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर 60 FPS का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। सो फाइनली जाकर के आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन को भी अपडेट कर लेना, जिससे कि जो 60 FPS है काफ़ी स्टेबल तरीके से आपके डिवाइस में वर्क करेगा। इसके साथ दोस्तों बात की जाए अंततु बेंचमार्क स्कोर की, तो मैंने यहाँ पर टेस्ट किया और जो स्कोर देखने को मिला आपको 2,29,000 आपको स्कोर देखने को मिला। पहले आपको 2,20,000 देखने को मिलता था, लेकिन अब आपका जो स्कोर है इम्प्रूव हुआ है। तो BGMI का परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपको आगे बताऊंगा, कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। सो अंततु बेंचमार्क का स्कोर काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करें बैटरी की, जब कभी भी कोई नया अपडेट आता है तो एक यूजर अपडेट करने से पहले उस अपडेट का पूरा फुल रिव्यू देखता है और वहां पर चेकआउट करता है कि उसमें बैटरी ड्रेनिंग आपको कितना देखने को मिल रहा है। सो फाइनली मैं इस अपडेट को पिछले कल से यूज कर रहा हूं, लगभग मुझे एक दिन आप लोग रखिए पूरा कंप्लीट हो गया इस अपडेट को यूज करते हुए। और यहां पर मुझे जो बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिला थोड़ा कम देखने को मिला पहले से मुकाबले, थोड़ा बैटरी ड्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग हैवी गेम खेलते हो, जैसे BGMI अगर आप लोग गेम प्ले करोगे तो आपको जो बैटरी ड्रेनिंग है वो देखने को मिलेगा, लेकिन पहले से कम आपका जो बैटरी ड्रेनिंग है वो हो चुका है। Unstoppable!
दोस्तों ये तो बात हो गई अपडेट की, और इस अपडेट में जो जो नए फीचर्स ऐड हुए थे सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब बात की जाए Realme एंड Oppo डिवाइस की सिस्टम एप्लीकेशंस के अपडेट की, क्योंकि आपको Realme एंड Oppo डिवाइस की सेटिंग्स के अंदर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता सिस्टम एप्लीकेशंस को अपडेट करने का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने Realme सिस्टम ऐप अपडेटर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप लोग जाकर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली जाना है फाइल्स के सेक्शन में, यहां पर आपको Realme एंड Oppo डिवाइस की जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशंस के अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं, चाहे थीम स्टोर, म्यूजिक प्लेयर, सिस्टम लॉन्चर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट या म्यूजिक प्लेयर, गेम स्पेस, जो भी सिस्टम एप्लीकेशन या सिस्टम सेटिंग्स आपको Realme एंड Oppo डिवाइस में देखने को मिलती हैं उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले इसी ग्रुप में देखने को मिलते हैं। सो आप लोग जाकर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।